कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी ने दंगाइयों से निपटने के लिए प्रशासन को दिया फ्री हैंड। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। सीएम योगी ने दंगाइयों पर एनएसए लगाने के लिए दिया आदेश। प्रशासन को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कानपुर हिंसा का आरोपी एसपी नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। निजाम पर व्हाट्सएप के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप। भगाने की फिराक में था निजाम। प्रयागराज में उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन है जारी। बीजेपी नेता ने उपद्रवियों की पिटाई का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। प्रयागराज में पुलिस ने हिरासत में लिए उपद्रवियों की पिटाई की। थाने में आरोपियों पर बरसाई लाठियां। पत्थरबाजों को सबक किया। अटाला में हुई हिंसा मामले की एसआईटी करेगी जांच। हिंसा की जांच एसआईटी को सौंपी गई जाएगी और एसएसपी अजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। प्रयागराज में हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरमान का बयान। कहा, हिंसा में समाजवादी पार्टी का हाथ। साजिश के तहत हमें फंसाया गया। फतेहपुर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद। सहारनपुर में हिंसा फैलाने वालों पर लगा एनएसए। एसएसपी ने कहा, 54 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत होगी कार्रवाई। कल जुम्मे की नमाज के बाद मचा था बवाल। प्रयागराज हिंसा में आफरीन फातिमा को पुलिस ने लिया हिरासत में। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की बेटी है आफरीन। प्रशासन ने घर खाली करने के भी निर्देश दिए। मुरादाबाद में 25 दंगाइयों को पुलिस ने लिया रिमांड पर। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। शुक्रवार को देशभर में उपद्रव पर ओवैसी का बयान। कहा, पहले नुपुर शर्मा की होनी चाहिए गिरफ्तारी। कानून के तहत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। गुजरात के भुज में ओवैसी ने कहा, लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए हिंसा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा न होने दे। ओवैसी ने थाने में उपद्रवियों की पिटाई पर उठाए सवाल। ओवैसी ने उपद्रवियों को बताया बच्चा। हाथरस में दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन। अब तक 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। सेक्टर 135 में अवैध रूप से बने फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। बुलंदशहर में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया। एसडीएम और तहसीलदार ने 2 जेसीबी और 3 डंपर पकड़े हैं। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू। मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर चल रहा बुलडोजर। हयात का करीबी बताया जा रहा है मोहम्मद इश्तियाक। स्वरूपनगर में स्थित निर्माण पर चला बुलडोजर। एक बेकनगंज हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच भड़की थी हिंसा। डीएम नेहा शर्मा ने तबादले से पहले उपद्रवियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रहा है बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चमनगंज और बेकनगंज हिंसा मामले में एक्शन लिया है। सहारनपुर में उपद्रवियों के खिलाफ गर्जा है बाबा का बुलडोजर। आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया गया। अंबेडकर नगर में हिंसा के मास्टरमाइंड की शिनाख्त। पुलिस ने आरोपी फराज इमाम को गिरफ्तार किया। अभी तक 26 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, दंगाइयों के खिलाफ न लगे गंभीर धाराएं। जो वाजिब है उसी के तहत कार्रवाई की जाए। यूपी में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने का निर्देश। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसी हिंसक घटनाओं में उपद्रवी पुलिस अधिकारियों को बना सकते हैं निशाना। बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कहा, जनता ने हमें बुलडोजर कार्रवाई के लिए ही दोबारा चुना है। बुलडोजर जनता की पसंद है। गोरखपुर में महिला ने कार में लगाई आग। आरोप है कि एक प्राइवेट अस्पताल के पास खड़ी एक कार में बुर्का पहने महिला ने आग लगाई। यूपी के बागपत में मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बड़ौद तहसील पर प्रदर्शन किया। यूपी में हिंसा के बीच काशी धर्म परिषद के संतों की अहम बैठक। जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी के खिलाफ प्रस्ताव पारित। काशी धर्म परिषद की बैठक से 16 प्रस्ताव पारित हुए। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने के मामले पर संत समाज नाराज। कहा, देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। यूपी के बवालियों को शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन। कहा, मजबूरी में आकर लोगों ने प्रदर्शन किया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है। नुपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नुपुर की वजह से देश में जंग छिड़ी हुई है। यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पर एफआईआर। शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज। कानपुर के बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दर्ज कराया केस।
यूपी सरकार का 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों को 3% बड़े दर से डीए देगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दौरा, प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण सभा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज बताया। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र की तारीफ की, बोले कश्मीर से बिना किसी विवाद के धारा 370 हटाई गई। आजम खान ने विधानसभा चुनाव नतीजे पर उठाए सवाल, बोले जीतने वालों को अपनी जीत का भरोसा नहीं है, हारने वालों को हार पर यकीन नहीं हो रहा है। लखनऊ जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान के खिलाफ ईडी ने एक और केस दर्ज किया है, हाल ही में जेल से बाहर आए हैं आजम खान। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगी रामलला की दो प्रतिमाएं, काले शालीग्राम और सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित करने पर हो रहा है विचार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गोरखपुर की गोल्डन गर्ल को 5 लाख की राशि देने पर जताई खुशी, लिखा सरकार 1 करोड़ की सम्मान राशि देकर सम्मानित करे। झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 41 किलो गांजा बरामद हुआ। बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 225 जोड़ों का विवाह हुआ, 21 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से और 204 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ। गाजियाबाद में पेरोल पर छूटे 18 कैदी, नहीं लौटे जेल वापस, डासना जेल प्रशासन कैदियों की गिरफ्तारी में जुटा। श्रावस्ती पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 140 किलोग्राम गांजा भी बरामद। बुलंदशहर में उधार चुकाने से बचने के लिए दोस्त ने की विकलांग दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में मैजिक की टक्कर से महिला की मौत। चंदौली में मैजिक की टक्कर से महिला की मौत, हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर किया जाम। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता का बयान, डिप्टी सीएम के गृह जनपद में कौशाम्बी में शिक्षा का अभाव, अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें अधिकारी। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटकती मिली युवती की लाश, मृतका की मां ने बेटी की हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बहराइच में पुलिस के हत्या चढ़ा, जहरीली शराब का कारोबार चलाने वाला गैंग, भारी मात्रा में जहरीली शराब की खेप भी बरामद हुई। सिद्धार्थनगर के एसओजी और पुलिस ने मिलकर शातिर चोर गैंग को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोने के आभूषण और देसी तमंचा कारतूस भी बरामद। अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्य मंत्री मैंकेश्वर सिंह, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। कौशाम्बी में शादी वाले घर में 6 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। प्रदेश के सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने केंद्र सरकार की योजनाओं का किया बखान, गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में शिरकत कर वितरित किए प्रशस्ति पत्र। लखनऊ में पत्नी के मायके के न लौटने पर जाया खाया गया जहर, पुलिस ने समय रहते अस्पताल में कराया भर्ती, युवक की सेहत की सुधार। देशभर में शुद्धता के रूप में अलग पहचान बना चुके बीएल एग्रोबेल कोल्हू ने सफलता का नया आयाम छुआ है, आज सीएस सिग्मा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। मिर्जापुर में प्रेमिका का फोन तोड़ने पर भाई की प्रेमी ने की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। काशीपुर पुलिस ने बैंक लूटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पंजाब नेशनल बैंक में हथियारों के बल पर की गई थी 14 लाख रुपए की। बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़े, नमाज पढ़कर जाते समय एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। रायबरेली में हाई टेंशन लाइन से उतरे करंट की चपेट में आया मजदूर, छत पर लेंटर डालते वक्त हुआ हादसा। फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, परिवार के लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। योगी कैबिनेट के बाद सीएम धामी ने भी पूरी कैबिनेट के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म, कहा सम्राट पृथ्वीराज से सीखने की जरूरत है। उत्तराखंड के सीएम धामी का टिहरी दौरा, थौलधार में भगवान कांगुंडा नागराजा डोली यात्रा में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा अर्चना। 13 जून को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे सीएम धामी, ऋतु खंडूरी विधानसभा में सीएम को दिलाएंगी विधायक पद की शपथ, चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की हुई है बंपर की। 4 धाम यात्रा और स्नान पर्वों पर उमड़ी भीड़ से राज्य सरकार काफी खुश है, जिसके चलते बजट में बड़ी घोषणाएं करने का सरकार ने विचार किया है। उत्तराखंड में सिविल कोड के बाद भू कानून की तैयारी, भू कानून पर इसी महीने सीमित समिति सौंपेगी अपनी अंतरिम रिपोर्ट। अल्मोड़ा में पोषण आहार के नाम पर गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी बच्चों को खराब अंडे बांट रहे जा रहे हैं, वितरण के दौरान पीटीओ में कई अंडे सड़े मिले।
हरिद्वार में बीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक, देश भर के संत बैठक में हुए शामिल, ज्ञानवापी, घर वापसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, रोशनाबाद के अनेकी हतीम खेतमपुर में सीएम का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आवास योजना का सीएम ने किया शिलान्यास। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, भारतीय थल सेना को मिले 288 नौजवान, 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में शामिल। पासिंग आउट परेड की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने सलामी ली। चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड हुई है। देहरादून में आज भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड के चलते रूट हुआ डायवर्ट, आईएमए परेड कार्यक्रम के दौरान यातायात डायवर्ट प्लान। खटीमा में 8 जून को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, सूजिया महुलिया गांव से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। लगातार तीसरे साल नहीं होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, नोडल एजेंसी को नहीं मिले तैयारियों के निर्देश। नवी मुंबई के नेरूल इलाके में इमारत की छत गिरी, इमारत के हॉल एरिया का पूरा हिस्सा गिरा, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू, हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। दक्षिणी स्पेन के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान, 3500 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। थाईलैंड में गांजा खेती और बिक्री को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद सरकार का अभियान, सरकार ने लोगों में गांजे के 10 लाख पौधे बांटे। जापान के वैज्ञानिकों ने बनाई लिविंग रोबोट फिंगर, इंसानी चमड़ी से बनाई गई है रोबोट की उंगली। न्यूयॉर्क में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन, 10 लाख फूलों से सजाई गई न्यूयॉर्क की सड़कें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 108वां दिन, खार्किव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले जारी, रिहायशी इलाकों को रूस बना रहा है निशाना। रूसी सेना लगातार बरपा रही है कहर, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेनी सैनिकों पर किए जा रहे हैं हमले। यूक्रेन के सैनिक युद्ध के बीच लगातार रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं, रूसी सेना पर किया जा रहा है जोरदार हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर दागे कई रॉकेट, रूसी सैनिकों के काफिले पर अटैक किया। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने रूसी सेना के ड्रोन को हमले में मार गिराया, यूक्रेनी सेना ने हमले का दावा किया। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन पर किया हमला, यूक्रेनी सेना के ड्रोन को मार गिराया, रूसी सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं हवाई निगरानी। 12 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरी टी20 मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया, कटक के बाराबती स्टेडियम में होगा मैच। इंग्लैंड से चल रही टेस्ट सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, केन विलियमसन होंगे कोरोना पॉजिटिव। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरीकॉम, पैर में चोट लगने की वजह से ट्रायल मुकाबले से बाहर हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की धमक, वेटलिफ्टिंग में आशीष ने हरियाणा के लिए जीता गोल्ड, कुल 102 पदक जीतकर पहले नंबर पर है हरियाणा। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ओटीटी में करेंगे डेब्यू, मिहिर देसाई के निर्देशन में बनी वेब सीरीज मासूम 17 जून को रिलीज होगी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज फर्स्ट वीक में हुई फ्लॉप, फिल्म ने 7 दिन में महज 55 करोड़ रुपए ही कमाए। आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओम द बैटल विद इन का ट्रेलर आया सामने, देशभक्ति के साथ फिल्म में दिखेगा एक्शन, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। एयर शख्स ने आपदा में भी मौज मस्ती करने का तरीका ढूंढा, पानी से भरी सड़क को बनाया प्राइवेट स्विमिंग पूल। डॉग का हवा में साइकिलिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अपने मालिक के साथ चलाई साइकिल। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से मिली राहत, बच्चे ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया, ठंड का डर छोड़ जमीन पर ही लेट गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।